सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मोमिन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये शुरुआत हो रही डिनर से। डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, और डिनर में बना रही हूँ बीन्स की सब्जी साउथ स्टाइल में। तो इसमें मैंने क्या क्या, तेल पे कलौंजी, राई और हींग का तड़का दिया, फिर कड़ी पत्ता डाला है, और उसके बाद फिर बारीक प्याज काट के डाल दिए लंबे लंबे। और अब जो है इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। वो थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पे बीन्स डाल दी है, और उसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डाल दूँगी। और उसके बाद इसको थोड़ा देर फ्राई करके उसमें फिर कसा हुआ नारियल, ये कच्चा नारियल है, इसको डाल दूँगी, और फिर ढक करके थोड़ी देर के लिए पका दूँगी। और ये देखिए थोड़ी देर में लग के तैयार हो गई थी, और थोड़ा सा ना लग भी गई थी नीचे, मींस बर्तन में लग गई थी सब्जी पर, लेकिन टेस्टी बहुत हो रही थी। तो ये साउथ की स्पेशल सब्जी। अब ना हम सीधा लंच में आ गए। नेक्स्ट डे लंच है। घर में कोई आया हुआ था, मतलब मेरी जेठानी आई हुई थी, तो ऑन डिमांड ये लंच बनाया है, जिसमें सांभर इडली और नारियल की चटनी प्लस राइस, जो कि बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और ये ना मैं करवा चौथ के दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, और आज आप मज़े से इन्जॉय करना, क्योंकि जब व्लॉग आएगा तो करवा चौथ वाला दिन होगा, और क्योंकि ये करवा चौथ प्रिपरेशन वाला व्लॉग है, तो ऐसा है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और ये मेरी थाली लग गई है, जिसमें मैंने लेफ्ट ओवर सब्जी, इडली, राइस, सांभर और नारियल की चटनी अपने लिए सर्व की है। ये रात के बची हुई सब्जी और बीन्स की, और बहुत ही टेस्टी हो रही थी, यकीन मानिए। सुबह लंच के बाद अब मैं यहाँ मिल रही हूँ, और मैं जो है अपने एक हाथ में मेहंदी लगा के ले आई हूँ मार्केट से, और कुछ कुछ सामान भी लाई हूँ, तो सामान तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। फ़िलहाल रात के बज रहे हैं 11, ऊपर अंधेरा हो गया, सोने जा रही हूँ, और कुछ शूट नहीं किया था लंच के बाद। थोड़ा लंच के टाइम से मैंने सोचा था शूट करूँगी सुबह, एक्चुअली वो इतना सारा खाना बनाना था, और घर में कुछ गेस्ट भी आए थे, तो उस चक्कर में ना मैंने खाना बनाने में जुट गई, और फिर उसके बाद मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। और अब जो है फिर उसके बाद जैसे गेस्ट गए तो मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी काम करवाने, और वहाँ से आई हूँ तो फिर मेहंदी लगा के आई थी, तो मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया। और ये मेरी एक हाथ में लग गई है, और जो मेरा दूसरा हाथ है इसे मैं खुद से लगाऊँगी कल। और मेहंदी जो है मायका भी लगवा के लाई है एक हाथ में, पर वो ज़्यादा नहीं लगाती, तो ये मैंने एक हाथ में लगा लिया इस तरह से थी। तो चलिए अब सो जाते हैं, मिलेंगे कल सुबह आपको, तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। वो सारा कचरा फैलाया है मैंने, इसको हॉल के इस तरफ बिछाया, इस वाले कारपेट को जो मैंने उस दिन धोया था ना, तो ये आज मैंने बिछा दिया, सूख गया है, दो दिन लगा दिए इसने, दो तीन दिन सूखने में। और ये जो है चेयर यहाँ रखी है, वहाँ पे लाइट शेड है ना, तो इसलिए उस कॉर्नर में मैंने उस लाइट शेड को कर दिया, बाकी यहाँ सारे डार्क शेड हैं, अभी इसका कलर अच्छे से नहीं आ रहा है। तो मायका ने सब फैलाव फैला रखा है, तो इसको समेटूंगी और उसके बाद सोने जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं सुबह में। आज है नेक्स्ट डे, लंच का टाइम है, मतलब लंच बनाने जा रही हूँ मैं। तो पहले तो सोच रही थी व्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए जो मेहंदी लगा के आई थी उसका कलर बहुत अच्छा आया है, और मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई है, ये मैंने खुद से लगाई है, और ये हाथों की मेहंदी कलर है, तो काफ़ी अच्छा आया। अब मैं आज इस हाथ में लगाऊँगी मेहंदी, कल थोड़ा सा हाथ ही अपने पैरों में मेहंदी लगाने के चक्कर में थोड़ा सा हाथ में मेहंदी लग गई। एनीवेज मैं सोची थी आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारा बिजी थी, पर फिर मैंने कहा चलो मायका के लिए एक स्पेशल चीज़ बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ मैं बताती हूँ। ये है क्या बोलते हैं इनको, आटा। ये मैंने अभी घर में ही बनाए हैं आटे, आशीर्वाद आटे का। ये देखिए कितनी सुंदर नूडल्स बनाए हैं, स्पैगेटी बनाई है, एक्चुअली नूडल्स नहीं है ये, थोड़ा मोटी है, नूडल्स थोड़ा पतले होते हैं, और उसको बनाने बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी, तो मैं स्पैगेटी बना देती हूँ मोस्टली। तो मैं क्या बना रही हूँ मायका के लिए, ये मैंने आटे से बनाया है अभी घर में, इनको मैंने आटे का, अच्छा कौन सी मशीन से बनाया है, ये मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई है पुरानी,
तो ये एक इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की गन, इसमें ये प्रेशर होता है और यहाँ पे बहुत सारे खांचे होते हैं। तो ये वाला भी मैंने सेलेक्ट किया था, स्मॉल वाला। ये साइज़ में आपको इतना मोटा निकलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था, इसको मैंने आटा गूंथा, उसमें मैंने इसमें डाल के वो लंबे लंबे से बना लिए, क्या बोल इस तरह के, और फिर उसको नमक डाल के पानी में बॉईल कर लिया, तो ये इस तरह से आ गए। और फिर अच्छे से धो लोगे तो ये खिली खिली सी हो जाएंगी, चिपकेंगे नहीं। मैंने इसमें कोई तेल वेल नहीं लगाया है, ये भी ऐसे ही, तो मैं अभी इमीडिएट बना लूँगी, तो तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको बहुत देर के लिए रखना है, तेल लगा के आप रख सकते हैं, मैंने तेल नहीं लगाया। तो ये कितनी अभी बस जस्ट मैं वॉश करके लाई हूँ और ये कितनी खिली खिली हुई हैं। तो ये इस तरह से स्पेगेटी है बनाई आटे की, और इसमें ये सुकून है कि 100% आटा है, घर का ही मैंने आटे से बनाया है, तो आशीर्वाद आटे से है। तो इसका कलर भी थोड़ा सा आप देखेंगे, बिल्कुल वाइट नहीं है, मैदे की तरह, ये देखिए थोड़ा सा व्हीटिश है। यानी इसके साथ सब्जी जो जा रही है, शिमला मिर्च, प्याज और ये गाजर और थोड़ा सा हरी मिर्च, ये सब मैंने चॉप किया मोटा मोटा, क्योंकि जैसे स्पेगेटी में डालना है मुझे, तो मैं इसलिए थोड़ा मोटा चॉप कर रही हूँ। चाउमीन में डालते हैं तो हम पतला बारीक चॉप करते हैं, बट यहाँ पे मैंने मोटा मोटा किया इस तरह से, क्यूबिकल शेप में, ये इस तरह से। और इसमें अभी टोफू मैं ऐड करूँगी, टोफू निकाल लेती हूँ। और मैं माइका के लिए आज स्पेगेटी बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे टोफू को भी स्लाइस में कर लूँगी, मेरे हाथ से काम करना थोड़ा सा टफ होता है, और इसको करके थोड़ा सा, ये मसाला टोफू है, इसको मैं पानी में थोड़ा सा सोक करने डाल दूँगी। और ये हरी मिर्च भी मैं डालूँगी, पर इसका ना बारीक स्लाइस नहीं करूँगी, बड़े बड़े काट के डालूँगी, ताकि मैं इसको बाद में अलग कर सकूँ, क्योंकि मायका नहीं खाती है आज, उसके लिए स्पेशल इसलिए बनाया है, बट वो फर्स्ट टाइम खाएगी। मैं जनरली मार्केट से रेडीमेड स्पेगेटी लाती थी, इस बार ही मैंने घर पे ऐसे बनाई है, तो देखो उसका क्या एक्सपीरियंस, मैंने क्या उसका रिस्पांस रहता है इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन में, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, और तेल थोड़ा सा गर्म होगा जैसे ही, वैसे ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज के साथ साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं रेडीमेड आता है ना, वही डाल रही हूँ यहाँ पर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये डाल दिया है। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा ही भुन जाएगा। इसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियाँ जो मैंने काटी है, शिमला मिर्च, गाजर और क्या काटा है, हाँ गाजर, शिमला मिर्च, ये डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें टोफू डाल दूँगी और हल्का सा इनको फ्राई करूँगी, मतलब। और मेरे पास जो स्लिट की हुई हरी मिर्च थी ना, वो भी मैंने इसी स्टेज पे डाल दी है। आप चाहे तो बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, मैंने लंबी लंबी डाली क्योंकि मैं इसको फिर सेपरेट कर लूँगी मायका की वजह से। और ये मैंने अब इसमें टोफू डाल दिया है, टोफू डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो ऑयल है सारे सब्जियों पर और ये टोफू में अच्छे से कोट हो जाए ऑयल ना। तो ये इस तरह से कोट कर लूँगी अच्छे से, बहुत इजी है इसको, बस सब्जियां काटने तक की देर। और अगर आप घर में ही बना रहे हैं स्पेगेटी, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल रही हूँ उस पर, फिर चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं, ये ओरिगैनो डाला है, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बड़े आराम से हिलाना है, क्योंकि टोफू जो है टूटने का डर रहता है। फिर मैंने इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, और फिर मैं इसको अच्छे से जो है हिला लूँगी, मिला लूँगी मतलब। और ये है स्टेयर फ्राई सॉस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हल्की होती है, इसमें ज़्यादा कलर नहीं आता है। और इसके बाद जो है ये डाला मैंने सेज़वान सॉस, और ये सेज़वान जो है नूडल्स, चंग्स चाइनीज़ का नूडल्स मसाला जो आता है वो डाला हुआ है। और आपको उसी, आप ना इसी स्टेज पर भी खा सकते हो इसको, मतलब कि ये सब डाल के स्पेगेटी नहीं डालो तो भी ये बहुत टेस्टी होता है, इस तरह से प्रिपरेशन कर लो।
और पर मैंने स्पेक्टी बनानी थी तो मैंने फिर इसमें स्पेक्टी डाल के मिला लिया, और मिलाने के बाद ये इस तरह से हो गया था, बहुत ही टेस्टी। देखिए मैंने थोड़ा सा ना वो सब्ज़ियाँ पहले ही निकाल ली अपने लिए, और अब जो है ये लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, बहुत टेस्टी बना था। और एज यूजल मायका ने तो थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि वो खाने में बिलीव नहीं रखती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना किचन का बाकी सारे काम निपटा रही हूँ लंच के बाद। जस्ट आफ्टर लंच मैंने फटाफट से मेथी काट के चुन बिन के धो के काट पीट के साइड रख दी। लंच करके हमारा हो गया है, और मैंने रात के लिए आलू मेथी बनानी है तो मेथी भी बिन के चुन के धो के काट दिए। और देखो मेथी कितनी निकली है और कचरा कितना निकला है, ये देखो इतनी मेथी निकली है और कचरा, तो ये सारा कचरा है, इसको समेट के फिर मैं लगाऊंगी अपने हाथ में मेहंदी। तो ऐसा है, और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी और इस व्लॉग को भी यहीं पे करूंगी एंड। मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जिस अभी क्लियर है थोड़ा। और देखो ये भी मैंने आई शॉपिंग जो करी थी मैंने करवा चौथ की, ये मैं आज सुबह लेके आई मायका के स्कूल से गई ना तब, और इसमें सबसे क्यूट था मुझे ये लगी। अरे निकल जा भाई, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। एनीवेज तो ये दो चीज़ें मैं लेके आई, और इस तरह से है। और मायका को जब मैंने पटाखे लाई थी तो खर्च कर लिया उसने सारा, और मैंने क्या ख़रीदा है, बैंगल्स। ये स्टोन वाले चमचम जो ग्लिटर वाले नहीं है, नहीं तो ग्लिटर ना निकल के मुंह पे लगता रहता है, तो ये इस तरह से हैं। तो ये बैंगल्स हैं, और इस बार ही मैं ना ये डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ, मैं कभी भी नहीं लेके आती थी, इस बार पहली बार लेके आई हूँ। ये देखिए हाँ इसके साथ वो कहाँ गया इसका बॉटल माहिका, अच्छा ये रहा, ये हमारे में लगाते भी नहीं है पर मैं ले आई ऐसी, देखते हैं इसमें क्या होता है। मैंने सोचा पैर में मैंने ये सोचा था कि मैं पैर में लगाऊंगी इसको, लेकिन ये आलता है, ठीक है ये आलता है। कहाँ लिखा है, सब बंगाली में लिखा है, ये देखो कर हमारे में नहीं लगाते, पर मैंने ऐसे ले लिया, मैंने तो पैर में मेहंदी लगा ली। खुद में ना दिक्कत होती है स्पेशली पैरों में, पर अब मैं हाथ में लगाऊंगी, अभी बैक साइड लगा लूँगी फिर फ्रंट साइड बाद में लगाऊंगी, क्योंकि डिनर वगैरह भी बनाना होता है। रात को भी लगा सकती थी पर रात को इसलिए लगा ली हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाती है और फिर नींद आती है, बेड में सारा गिरता है इधर से उधर, तो इसलिए जो है अभी लगा लूँगी मेहंदी। सब्ज़ी मैं काट चुकी हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेहंदी कैसे लगाई, कहाँ तक लगाई, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।